गणेश जी का आशीर्वाद हम पे है। और हिंदू और मुसलमान की यूनिटी को और मजबूत कर देंगे गणेश जी। धर्म की राजनीति हम कभी नहीं करें। आज की जो मिसाल है, फिर से एक टाइम हम आपको बताना चाह रहे हैं, ये गंगा जमुना की तहजीब और मजबूत होना, यहां पर देश की तरक्की है और आप और हमारी तरक्की है। गणेश चतुर्थी की मुबारकबाद देता हूं। गणेश चतुर्थी शुभाकांक्षलु। वेंकटेश अन्ना, कांग्रेस सीनियर लीडर, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी तेलंगाना का, जैसा मेरे को फोन आया कि पहली पूजा है भाई गणेश चतुर्थी की, आप आ जाना। जब भी हिंदू मुसलमान की एकता की बात आती, इतिहाद की बात आती और गंगा जमुना तहजीब की बात आती, उसको और मजबूत करने के लिए फिरोज खान और आप देखेंगे, आज हमारे इमाम साहब, मौजम साहब, हर कोई यहां पर शामिल हुआ है। क्योंकि एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, धर्म की राजनीति हम कभी नहीं करें। हम राजनीति करे हैं विकास की, डेवलपमेंट की, बदलाव की। और एक ख्वाब देखे हम कि कश्मीर से कन्याकुमारी जाने की जरूरत नहीं है, नामपल्ली के अंदर एक हिंदुस्तान मौजूद होना जिसमें हर धर्म समान होना, इक्वल होना, कोई छोटा ना कोई बड़ा, अच्छे स्कूल होना, अच्छे कॉलेज होना, हर एक घर में नौकरी होना, रोजगार होना, करप्ट फ्री नामपल्ली होना, जो भी कमजोर गरीब को डराकर रउडिज्म कर रहा, रउडी फ्री नामपल्ली होना। आज हमारी युवा पीढ़ी पूरे ड्रग्स में आ गए और उनका मुस्तकबिल खराब हो रहा। ड्रग फ्री तेलंगाना होना, ड्रग फ्री हैदराबाद होना और खुसूसी ड्रग फ्री नामपल्ली होना, औरत को इक्वल दर्जा मिलना, रात के 12 एक बजे भी औरत रोड पे फिरे वैसा रहना, वैसा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन रहना। और फिर से एक टाइम हम आपको बताना चाह रहे, हिंदुस्तान की खूबसूरती अनेकता में एकता है। और आज की जो मिसाल है, फिर से एक टाइम हम आपको बताना चाह रहे, ये गंगा जमुना की तहजीब और मजबूत होना, यहां पर देश की तरक्की है और आप और हमारी तरक्की है। मजहब की जो राजनीति करते हैं उनको उनकी उनको मैं मुबारकबाद देता हूं। हम तो मोहब्बत की राजनीति करते हैं, डेवलपमेंट की राजनीति करते हैं। और हम गणेश जी से गुजारिश करते हैं कि आप हर एक घर पे आशीर्वाद आपका बना रहे, लोगों के घर में खुशियां हो, सुकून हो, दौलत हो, सेहत हो और सबसे बड़ी बात, हर एक कठिनाई में, हर एक मुश्किल के वक्त पर उनको ये महसूस होता रहे कि गणेश जी का आशीर्वाद हम पे है। हर एक घर में प्रॉस्पेरिटी,
का मतलब बरकत, और विजडम का मतलब सद्बुद्धि। और हिंदू और मुसलमान की यूनिटी को और मजबूत कर देगी गणेश जी। फिर से एक टाइम आप सबको तहे दिल से गणेश चतुर्थी की मुबारकबाद देता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस, धन्यवाद, शुक्रिया।